हाँ जी बेटा, तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ जो हम कर रहे थे। अब बेटा क्लियर कट है, अगर मैं कह रही हूं बुक्स है एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी जितने एक्स में पेजेस हैं उसमें वाई में पेजेस हैं, तो क्लियर कट है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसी बुक है, सेम ही है ना एक्स, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ट्रांजिटिव देखें, अगर एक्स और वाई दो बुक्स हैं, इनमें पेजेस सेम है, तो वाई और एक्स भी तो सेम ही पेजेस होंगे, तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। नाउ कम टू ट्रांजिटिव, अगर एक्स और वाई दो बुक्स हैं जिनमें नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो सेम है, और वाई और जेड इनमें नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है, तो 100% एक्स और जेड में भी नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, सेम होंगे। बेटा हम ट्रांजिटिव के लिए क्या लेते हैं, ए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ए भी, क्योंकि ये दोनों ट्रू मानते हैं और ये प्रूफ करना होता है। हम ए बी बी सी नहीं लेते थे, ए बी बी सी लो या एक्स वाई वाई जेड लो, वन इज द सेम थिंग, नहीं बेटा, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है, तो दैट मींस वो ट्रांजिटिव भी होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कह दिया एक्स एक्स है ना, अब सिमेट्रिक के लिए अगर एक्स वाई ट्रू है तो वाई एक्स भी ट्रू होगा, यानी सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव मैंने प्रूफ करके बता दी। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेरे पास व्हाट इज दैट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर जो गए एट। इफ वी सी शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट, सारे क्वेश्चंस बेटा बार बार वही आ रहे हैं, एक सेट डिफाइन कर दिया, वन टू थ्री फोर फाइव, गिवन बाय कि मेरे पास आर जो है ए बी मॉड ए माइनस बी इज इवन, मेरे पास जो है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसने पहले कहा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर आगे जो पार्ट दिया ना, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन थ्री फाइव आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट टू फोर आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ वन थ्री फाइव इज रिलेटेड टू टू फोर। अब बेटा देखिए ध्यान से, मेरे पास हो गए ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस ले इवन नंबर ही है, यानी रिलेशन में मेरे पास कैसा कैसा नंबर आ सकता है, वन वन आ सकते हैं, ओके वन के साथ थ्री आ सकता है, क्योंकि वन माइनस थ्री माइनस टू मॉड वो टू ही आएगा, फिर वन के साथ फाइव आ सकते हैं, ओके नाउ कम विद टू टू, फिर टू के साथ फोर आ सकते हैं, टू के साथ फाइव नहीं आ सकते, फिर थ्री थ्री, थ्री के साथ फाइव, थ्री के साथ वन, लिख सकते हैं ना, उसके बाद फोर, फोर फोर के साथ वन नहीं आ सकता, टू आ सकते हैं बस, फिर फाइव, फाइव के साथ फाइव, फाइव के साथ वन, फाइव के साथ थ्री, देख लेना कोई नंबर ना रह जाए मेरे पास। इसमें आप देखिए, अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के साथ ही लिंक हो रहा है, कोरिलेट हो रहा है, रिलेट हो रहा है, इवन नंबर है तो इवन के साथ, Am I right? कोई डिफरेंट तो नहीं है ना मेरे पास। अब ये मेरे पास रिलेशन हो गया, अब ये रिलेशन ये है, तो पहला तो इसको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब देखिए मेरे पास हो गए, रिफ्लेक्सिव के लिए ए माइनस ए, जब आप ए माइनस ए करोगे क्या आएगा, जीरो, डिफरेंस जीरो आ रहा है,
हम जीरो को इवन में ही काउंट करते हैं ना, दैट इज ट्रू। अब अगला करें सिमेट्रिक। अगर आप ले रहे हो ए माइनस बी, ये इवन है, मैं नेगेटिव कॉमन ले लू, बी माइनस ए हो गया, तो ये भी बी माइनस बी ए आर को बिलोंग किया कि नहीं किया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करें ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव प्रूफ कैसे करना है वो बताने लगी हूं, आपने लिखना नहीं है बट आपको प्रूफ करना आना चाहिए मॉड वाले क्वेश्चन में। मैं ये सारा वैसे रब कर रही हूँ, वैसे तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो बट हम इतना थोड़ा बेटा लिख के करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल कि सारे एलिमेंट्स चेक करें, तो उसके लिए एक जर्नल प्रूफ बता रही हूं मॉड वाले क्वेश्चन का। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी टू लैम्डा, मैं मॉड हटा दूं तो प्लस माइनस टू लैम्डा लग जाएगा। मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब अगला मेरे पास टू है, यहां पर बी सी बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी मॉड टू एम ले ले क्योंकि इवन नंबर है, तो मैं इसको बी माइनस सी को प्लस माइनस टू एम ले लू। मार्क दिस इक्वेशन टू, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं क्या कर दूं बेटा, ऐड कर दूं, ऐड करूं, जब मैंने एडिंग की तो बेटा मेरे पास क्या बन गया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दैट इज प्लस माइनस टू लैम्डा प्लस माइनस टू एम कैंसल। मैं प्लस माइनस टू कॉमन ले लू, कोई भी टर्म के आगे इधर प्लस माइनस लिखा है तो मैं इधर मॉड ले सकती हूं, और टू लिखा है तो दैट मीन्स ये इवन मल्टीपल है, a माइनस सी मॉड इज एन इवन मल्टीपल, दैट मीन्स कि a c को r को बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो दैट मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब अगर ये मेरे पास वो है इक्विवेलेंस बेटा रिलेशन हुआ तो बेटा 100% मेरे पास हो गए। अब उसने क्या चेक करने को कहा है, उसने मुझे कहा है कि आप देखिए कि यहाँ पर 135 जो है वो 135 से कोरिलेट हो रहे। अगर आप देखो मैंने जो सेट लिखा था उसमें 11 के साथ फिक्स हो रहा था, 13 के साथ, 12 वाला कोई एलिमेंट था नहीं था, 14 वाला कोई एलिमेंट था नहीं था, तो दैट मीन्स इट इज क्लियर फ्रॉम द रिलेशन कि वैसे भी दो नंबर्स का डिफरेंस इवन तभी आ सकता है अगर दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। आप चेक कर लो, 24 माइनस किया 2 का मल्टीपल है ना, 13 या 15 डिफरेंस निकाल लो, 2 का मल्टीपल तभी अगर दोनों क्या है ऑड नंबर्स, वही हमने कोरिलेट करके बताया। ओके जी, एनी डाउट बेटा, एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए बेटा लेट अस डू द नेक्स्ट। बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है, अगर आप देखोगे 9th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, मैंने अभी 2 का मल्टीपल करवाया, यहां पर है 4 का मल्टीपल, बस जहां मैंने 2 लैम्डा लिखा आपने क्या लिखना है 4, बाकी सारे सेम क्वेश्चन। ओके जी, सेम क्वेश्चन नंबर 9, 10th में आपने एग्जांपल्स देने हैं क्वेश्चन में, तो 10th में आप जितने भी पीछे हमने एग्जांपल दिए हैं आपने ऐसा एग्जांपल देना जो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अभी हमने पीछे एक एग्जांपल किया है, मेरे पास हुए क्वेश्चन था 6th, एज इट इज एग्जांपल हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं था, सिमेट्रिक था लेकिन ट्रांजिटिव नहीं था, रिफ्लेक्सिव नहीं था, तो दे दीजिए। ओके जी, तो कोई भी एग्जांपल जो है जो आपको, इसमें कोई फिक्स एग्जांपल नहीं है, यू कैन गिव एनी वन। ओके जी, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11th, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11th।
हाँ जी, शो दैट द रिलेशन आर इज अ सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय. उसने कहा कि जो रिलेशन डिफाइन किया गया ना वो पॉइंट्स की तरह किया गया. पी कॉमा क्यू, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन. यानी हमने देखा जाए तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू. ओ इज द ओरिजिन, पी कोई भी पॉइंट है, क्यू कोई भी पॉइंट है. ओरिजिन से डिस्टेंस देखना है कि उसने कहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. पहले तो मैं शो करूंगी ये इक्विवेलेंस रिलेशन. पहला रिफ्लेक्सिव के लिए पी पी हो गया पॉइंट. आप एक्स एक्स लेते थे, अगर पॉइंट पी ले दिया तो कोई टेंशन थोड़ी की बात. अब ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये हमेशा ही ट्रू रहता है ना, रिफ्लेक्सिव है, हुआ कि नहीं. आपकी हाइट अपने आप से ही देख ली, सेम ही रहेगी ना. सेकंड, मेरे पास जो है पी क्यू लिया पॉइंट, तो पी ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये गिवन थी. मैं इसको इधर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं. ये एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मैंने प्रूफ कर दिया वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक की कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अब नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया यहां पर, अगर देखा जाए तो थर्ड ट्रांजिटिंग. अगर मैंने पॉइंट लिया पी क्यू, फिर लिया क्यू आर, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, तो 100% ओ पी इज इक्वल टू ओ आर होगी कि नहीं होगी, होगी ना. सिर्फ एग्जाम्पल देके समझा रही हूं मैं बेटा, क्लियर. तो दैट मीन्स दिस इज जो है इक्विवेलेंस रिलेशन. अब उसने आगे क्या बोला हुआ है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट पी नॉट एज ओरिजिन इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी विद ओरिजिन एज सेंटर. ऑब्वियस है बेटा, तुमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, जरा ध्यान से देखना. ओरिजिन, ओरिजिन से तुम पी ले लो, क्यू ले लो, आर ले लो, एस ले लो. अगर ये सारे डिस्टेंस सेम है, इनको ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बनाएगा, सर्कल ही बनाएगा. आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में फॉर्म आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ फिगर इट फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन. अब बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे, वेरी इजी. टिल 16th आई विल आस्क यू द प्रॉब्लम, टिल 16th, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक टुमारो, दैट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन. ओके बेटा, टिल देन गुड बाय.